हाय फ्रेंड्स, एनबीटी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तनप्रीत। नारियल तेल, एलोवेरा, ये सब हमारी फेस के लिए यानी कि हमारी फेस की स्किन के लिए बेहद जरूरी होते हैं। लेकिन आज मैं आपको इससे पैक बताने नहीं वाली हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप ऐसे मेकअप करवाते हैं तो उसे उतारने का जो तामझाम होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो ईजिएस्ट वे में आप अपना मेकअप, वो भी घरेलू तरीके से, किस तरीके से निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। मेकअप कैसे लगाना है, इसके वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे ही होंगे, लेकिन मेकअप उतारने का सही तरीका क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल की मदद से अपना मेकअप उतार लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिनके फेस पर खुले हुए पोर्स होते हैं यानी कि ओपन पोर्स होते हैं, मेकअप उनके अंदर भी चला जाता है और सिर्फ गुलाब जल की मदद से उतारने में मेकअप नहीं निकलता। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही तरीका स्टेप बाय स्टेप मेकअप उतारने का क्या है। तो स्टेप वन में हमें सबसे पहले एक बोल में गुलाब जल डालना है। उसके बाद हमें कॉटन के पैड्स लेने हैं या फिर आपको कॉटन को गोल शेप में या किसी भी शेप में आपको काट लेना है। उसके बाद कॉटन को उस गुलाब जल में भिगोकर अपने फेस को क्लीन करना है। अब आप अच्छे तरीके से 2 से 3 बार गुलाब जल में भिगोकर कॉटन को आप अच्छे से अपना मेकअप उतार लें। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें लेना है एक बोल में 1 चम्मच नारियल का तेल, फिर उसमें मिलाना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल और फिर मिलाना है 1 ढक्कन गुलाब जल। अब इस मिक्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद अपने फिंगर टिप्स की मदद से इस मिक्स को आपको अपने फेस पर लगाकर थोड़ी देर के लिए मसाज करना है। ये उसी लिए होता है ताकि आपके फेस से अच्छी तरीके से मेकअप है वो बाहर निकल सके, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ गुलाब जल से मेकअप पोंछने से मेकअप नहीं निकलता। और वैसे भी एलोवेरा और नारियल तेल हमारी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। दोनों में विटामिन ई होता है जो स्किन को ग्लो करने में भी मदद करता है। जैसे ही 5 मिनट आप मसाज कर लें उसके बाद आप फिर से कॉटन डिप करें गुलाब जल में और नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करें अपने फेस पोंछने के साथ। आपको अच्छे से अपने फेस को पोंछना है और उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ देना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप इतनी बार कॉटन को फेस पर लगा रहे हैं तो आपका फेस थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन आपके फेस में होगा और आपको हल्की सी जलन महसूस होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन होती है तो अपने फेस पर आइस रगड़ लें और उसके बाद कुछ देर रखने के बाद आप अपने फेस को ठंडे पानी से धो लीजिए। तो ये मेकअप उतारने का सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। इससे आपको कोई भी पिंपल्स की समस्या नहीं होंगी और आपका मेकअप भी अच्छी तरीके से उतर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी चीजें जो कि आपके घर में आसानी से मिल सकती हैं और आपके मेकअप उतारने में बहुत ही आसान है, ये चीजों को आप यूज कीजिए अपने मेकअप उतारने के लिए और आप देखेंगे कि आपकी स्किन मेकअप उतारने के बाद कितनी अलग शाइन करेगी। मेकअप तो निकलेगा ही, डर्ट भी निकलेगी और साथ में आपको एक फेस में ग्लो मिलेगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ आपके मेकअप उतारने का तरीका क्या है वो भी मैं जानना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें।